इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कंप्यूटर की भाषाएं के बारे में। कंप्यूटर के कितने भाषा होते हैं, कहां कहां उनका यूज होता है, बाइनरी नंबर क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, बेसिक लैंग्वेज कोबोल फोर्ट्रॉन सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में। और कहां कहां से सवाल पूछे जाते हैं ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आप देखिएगा कि भाषाएँ संचार का एक साधन है। सामान्यतः लोग भाषा का उपयोग कर करके एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, जैसे हम लोग अपने बोलते हैं कुछ भी तो वो भाषा बोलते हैं और वो समझते हैं। तो इसी आधार पर भाषा के द्वारा कंप्यूटर के साथ संचार किया जाता है। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर से बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक भाषा होता है जो कि कंप्यूटर समझता है, उसी के भाषा को हम लोग यूज करते हैं और कंप्यूटर से बात करते हैं, यानी कि कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। और यही जो है भाषा जो है मशीन और उपयोगकर्ता दोनों के द्वारा समझी जाती है। प्रत्येक भाषा की तरह जैसे कि अंग्रेजी हिंदी व्याकरण सबके नियम बना हुआ है, वैसे ही कंप्यूटर भाषा में भी नियम बंधा हुआ है, जिसको कि उस भाषा का सिंटैक्स कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ सवाल नहीं है पूछने वाला, जो कि कंप्यूटर में जो एग्जाम में पूछे वो दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है लो लैंग्वेज। देखिए, लो लेवल का अर्थ है उस मौलिक तरीके से है जो मशीन को समझ में आती है। लो लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है यहाँ पे देखिए, सबसे पहला मशीन लैंग्वेज, उसके बाद है यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज। अगर आपसे पूछ दे, यहाँ पे देखिए सवाल यहाँ से बनता है कि मशीन लैंग्वेज कैसा लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है या फिर हाई लेवल लैंग्वेज है, तो आपको उदाहरण देना होगा कि मशीन लैंग्वेज और असेंबल लैंग्वेज, ये दोनों जो है यहाँ पे, ये देखिए, ये मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों है यहाँ पे लो लैंग्वेज का, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है। देखिए, मशीन लैंग्वेज यह भाषा 0 और 1 के रूप में होता है, जिसे बाइनरी कहते हैं। यानी कि बाइनरी किसके कहते हैं, अभी कंप्यूटर जो है 0 और 1 का भाषा समझता है। यह सीखने में बहुत कठिन होता है और यह प्रोग्राम लिखने में के लिए भी और भी कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ खास नहीं है, आपको जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, आपको यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि कंप्यूटर किस पे काम करता है, यानी कि किस पे, तो वो बाइनरी संख्या यानी बाइनरी कोड पर काम करता है, 0 और 1। चलिए अगला है असेंबल भाषा, दूसरा हमारा है। तो इसका भी सिर्फ ये इसका नाम याद रखना है और ये याद रखना है ये जो है लो लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। चलिए ये देखिए, जो असेंबल लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज से अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए असेंबल लैंग्वेज में गलती को ढूंढना और उसे ठीक करना अधिक आसान होता है, इसीलिए अच्छा होता है। अगला है देखिए हाई लेवल लैंग्वेज, इसका भी कुछ खास नहीं, आपको सिर्फ इसका जो है एग्जाम्पल याद रखना है। अभी आप देखिए, आपको पता है और ऊपर बताए भी थे कि लो लेवल लैंग्वेज हार्ड होता है, ठीक है, लेकिन इसी मुश्किल को दूर करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को बनाया गया। अब ऐसा नहीं है कि हाई लेवल लैंग्वेज है तो ये कड़ा होगा, लेकिन नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज को समझना आसान होता है और इसीलिए जो है इसमें प्रोग्रामिंग करना आसान होता है। देखिए, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, बेसिक कोबोल फोर्ट्रॉन सी सी प्लस प्लस, ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। आपको यहाँ पे सब कुछ दिख रहा होगा, ये इतना जो है, ये देखिए बेसिक कोबोल फोर्ट्रॉन, ये तीनों का आप लोग फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा। कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंट लैंग्वेज और फोर्ट्रॉन यानी कि फार्मूला ट्रांसलेशन, इसको याद रख लेना है, इसका फुल फॉर्म, यही फुल फॉर्म पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए अगला जो पूछेगा सवाल यहाँ पर, बेसिक किस प्रकार का भाषा है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। कोबोल किस प्रकार का, तो हाई लेवल, फोर्ट्रॉन हाई लेवल, सी तो हाई लेवल, सी प्लस प्लस तो हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। इसको देखिए अगला क्वेश्चन ये पूछेगा कि कोबोल जो है इसका उपयोग कहाँ पे होता है, यानी कि किस क्षेत्र में होता है, तो कोबोल का होता है व्यवसाय यानी कि बिजनेस में। उसके बाद अगला सवाल ये होता है यहाँ पे कि फोर्ट्रॉन जो होता है उसका उपयोग कहाँ होता है, किस क्षेत्र में होता है, तो इसका आंसर होगा कि गणितीय संबंधी और वैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए, और ये जो है वैज्ञानिक क्षेत्र में यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक के लिए ये जो है बहुत ही अच्छा ये लोकप्रिय माना गया है। और इसका देखिए वैज्ञानिक समुदाय यानी विज्ञान यानी वैज्ञानिक ज़्यादा आविष्कार देखिए विदेश के लोग कर रहे हैं तो वो फॉरेन के हैं, तो फॉरेन से या आप ट्रिक है ये कि फॉरेन मतलब हो गया वैज्ञानिक से हो गया फॉरेन और फॉरेन से हो गया फोर्ट्रॉन, ये सिर्फ याद करने का ट्रिक है जिसके आप लोग याद रख सकते हैं। अगला है कंपाइलर और असेंबलर, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आपके ऊपर बताए थे कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो मशीन पर निर्भर नहीं रहता है
और जो मशीन से वो अच्छा है। और असेंबली लैंग्वेज चूँकि मशीन पर निर्भर करता है, फिर भी उसे निर्देशों के लिए निमोनिक्स का उपयोग किया जाता है जिसे मशीन नहीं समझती है। अतः दोनों लैंग्वेजों का द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों को मशीन समझ सके, इसके लिए कंपाइलर और असेंबलर की आवश्यकता होती है ताकि वे इस निर्देश को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित कर सके। यानी कि देखिए, असेंबलर और कंपाइलर का मुख्य काम क्या है, तो इसका मुख्य काम है मशीन लैंग्वेज में उसको परिवर्तित करना। अब देखिए, इसमें जो सवाल क्या पूछा जाता है ये बताते हैं आपको। सवाल देखिए, आपको यहाँ से पूछा जाएगा, ये देखिए, ये जो है आपका सवाल ये बन गया, कंपाइलर किसे कहते हैं। वहाँ पे आपको दे देगा कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन परिवर्तित करता है, कौन बदलता है, तो वो हो जाएगा कंपाइलर। हाई लेवल को लो लैंग्वेज में कंपाइलर बदलता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए, ये कुछ खास नहीं, यहाँ पे देखिए सोर्स प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज, और इसको कंपाइलर जो है बदल देगा मशीन लैंग्वेज में, यही इसका। यहाँ पे आपको यहाँ पे डाटा के माध्यम से और पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल मशीन लैंग्वेज में ये कंपाइलर जो है ये बदल रहा है। अगला देखिए असेंबलर था, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। ठीक है, देखिए ये जो हाई लेवल को बदलता है मशीन में, तो कंपाइलर हो गया, हाई लेवल मशीन में कंपाइलर, लेकिन असेंबल लैंग्वेज को मशीन में बदल देगा तो असेंबल हो जाएगा। तो ये दोनों से इसी से क्वेश्चन पूछेगा आपको, यही जो आपको यहाँ पे दिखा हुआ है, लिखा हुआ, इसी से क्वेश्चन पूछता है कौन किसको किस में बदलता है। चलिए अब आता है क्या एमसीक्यू। देखिए इसके पहले वाले पार्ट में जो बताए थे आपको, उसका एमसीक्यू नहीं करवाए थे, तो यहाँ पे आपको करवा रहे हैं। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बताइए सही है या फिर गलत है। देखिए आपको बताए थे ऊपर पिछले वाले वीडियो में, ये वाला देखिए आपको दिखाए थे, यहीं पे है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसके बारे में सारा कुछ आपको हम डायग्राम देखे यहाँ बताए थे। तो इसका सही आंसर जो है वो, देखिए ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इसका तो आपको बताए दिए सबसे पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये हो गया गलत, ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ये बताए थे आपको लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग करना है वो अधिक आसान होता है, ये सही बात है, आपको बताए थे पिछले वीडियो में, सॉरी अभी। वैज्ञानिक का गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रॉन का उपयोग किया जाता है, तो ये बात जो है बिल्कुल सही आपको बताए थे। फोर्ट्रेन यानी कि फॉरेन, और फॉरेन में वैज्ञानिक काम करते हैं ज़्यादा और आविष्कार कर रहे हैं, तो इसलिए फोर्ट्रॉन का जो है वैज्ञानिक तथा गणितीय समस्या का बताया था आपको ट्रिक के माध्यम से। और सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये देखिए गलत बात है, ये जो सी प्लस प्लस है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे आपको दिखाए थे, देखिए सॉरी, ये देखिए यहाँ पे जो सी प्लस प्लस है वो है ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ना कि सी। तो ये वाला हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा गलत। इसके बाद कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, बताइए, बताया था आपको, तो ये बात है सही, तो ये हो गया सही। अब देखिए, अभी तक हम जितने वीडियो बना चुके हैं उसका ये देखिए यहाँ पे सारा को क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो सारा को यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा एक बार, सारा कुछ आपको हम बता दिए हैं कि सीआरटी क्या है, एलसीडी क्या है, लेजर प्रिंटर, हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर, प्लॉटर, सारा कुछ आपको हम इसके पहले वाले वीडियो में बना दिए हैं। और अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं वो वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा, सारा कुछ का आंसर यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा, आपको सारा कुछ अच्छे से बता दिए हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 1 कंप्यूटर का परिचय। अगला वीडियो में आपको हम कंप्यूटर का इतिहास बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सारा कुछ ये आपको पढ़ाया हुआ है, देख लीजिए क्या क्या पढ़ाए हैं हम, ये देखिए सब सब कुछ बता दिए हैं।